पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। राज महल निवास ही नहीं, राजा जी यहाँ थोड़ा रहते होंगे, खत्म बंगला है। मैं उनसे पूछ लेती हूँ ना। हेलो, कहाँ हैं आप? बानी, मैं एक्चुअली बुआ के देवर के घर जा रहा था, शादी के कुछ अरेंजमेंट देखने थे। तुम्हारे डैडी जी भी वहीं आ रहे हैं। तुम पहुंच गई? हाँ, मैं पहुंच तो गई हूँ जो आपने एड्रेस दिया था, लेकिन मुझे आपका घर ही नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा तो मैं आऊँ हेल्प करने? नहीं नहीं नहीं, मैं ढूंढ लूंगी, आप आराम से जाइए। आपके घर का नाम राजमहल निवास ही है ना? हाँ। ठीक है ठीक है, मैं ढूंढ लूंगी, आप फिक्र ना कीजिए। ओके। वीर जी, एक मिनट, ये राजमहल निवास कहाँ है? मैडम जी, यही तो रहा राजमहल निवास। नहीं नहीं, ये नहीं, बंगला है। मैडम जी, सारे बंगलो इस तरफ हैं, आप आगे जाके देख लीजिए। ठीक है जी, शुक्रिया। राजमहल निवास। ठक्कर अरे अरे, रुको रुको रुको। हाँ जी, कहाँ जा रहे हैं आप? वो मुझको आंटी जी ने बुलाया था। यहाँ तो कोई नहीं है, सब बाहर गए हुए हैं। बाहर गए जी? यहाँ की शॉपिंग के लिए गए होंगे, सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा है ना। अब आंटी जी के ना दिमाग से निकल गया होगा कि मैं आने वाली हूँ। कोई बात नहीं जी। ठीक है। हेलो बानी, घर मिल गया? जी, बहुत प्यार है, पर इतना सब करने की क्या जरूरत थी आपको? तुम्हें अच्छा लगा मेरा घर? हमारा घर? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा, और रंग भी बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा, अब मैं आपको कॉल करती हूँ, मुझे डॉक्टर का फोन आ रहा है। बानी, डॉक्टर क्यों? अब वो मन्नत के बारे में कुछ बात करनी होगी। सब ठीक है ना? जी जी, सब ठीक है, मैं आपको कॉल करती हूँ। ओके, ध्यान रखना। जी जी डॉक्टर। मिस बानी, मेडिसिन डिपार्टमेंट से डॉक्टर बत्रा बोल रहा हूँ। डॉक्टर, सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, कुछ बात करनी है आपसे। जी जी, मैं अभी आती हूँ। आंटी को तो शायद आने में टाइम लगेगा, घर भी देख लिया है मैंने, अस्पताल ही चली जाती हूँ। उसकी सलाह भी ले लेंगे, और बानी को घर और कलर दोनों अच्छे लगे। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। मेरी ना बानी बहुत किस्मत वाली है जो ऐसे घर में जा रही है जहाँ बहू को बेटी वाला दर्जा मिलता है। वही ना, आजकल बहू की पसंद नापसंद कौन पूछता है जी। तुम्हारी मॉम इतने प्यार से मुझे खिला रही थी, मना कैसे करती? और कोई मुझे इतनी टेस्टी मट्ठी दे दे खाने के लिए, तो मैं रोज खा सकती हूँ। पुत्र जी, क्या बात है पुत्र जी, कोई टेंशन है? नहीं अंकल जी, सब ठीक है। अच्छा, मैं पुत्र कह रहा था कि सजावट का क्या करना है? जी, मेरा एक दोस्त है, वो देखकर अंदाजा बता देगा खर्चे का। लो जी, आ गया। भाई कैसा है? भाई बढ़िया भाई, सो गुड टू सी यू, रियली हैप्पी फॉर यू ब्रो। अंकल जी, ये मेरा बचपन का दोस्त शशांक, और शशांक मेरे होने वाले फादर इन लॉ। पुत्र जी, वो खर्चा बता देते कितना होगा? अंकल जी, वही अपना 2000 कोड़े हैं जी। अंकल जी, ये तो मुझे कुछ समझता नहीं है, पर ये ना जान है मेरी, जिगरा है मेरा। अब अगर इसकी शादी में मैं पैसे लेने लगा ना, तो फिर नर्क में एक पक्का है रूम मेरा, और यमराज भी कम से कम 2000 कोड़े तो मारेगा मुझे। तो ये चाहता मेरे लिए? बचपन का दोस्त है मेरा, तुसी प्लीज एदी गल्लां दा बुरा ना मन। शैंकी,
सारी बातें एक तरफ, जो भी खर्चा है प्लीज साफ साफ बता दे। अभी ज्यादा हिसाब किताब की बातें मत कर मुझसे। और अंकल जी, आप बनाओ एस्टीमेट का रॉकेट और उड़ा दो आसमान में। अब सारा इंतजाम ना आपका शैंक ही करेगा। पर पुत्र, फिर भी हम लड़की वाले हैं, 100 चीजों का ध्यान रखना है, बारात का स्वागत करना है, खाने पीने का खर्चा है। आप खर्चा बताओ। अरे अंकल जी नो फिकर, शैंकी है इधर, आपका सारा काम हो जाएगा। मैं टॉप के केटरर से बात करके ना आपको बढ़िया सा डिस्काउंट दिलवा दूंगा। आप बस चिल मारो, सब कुछ आपके बजट में हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। वो क्या हो गया भाई, कलर लगाना शुरू क्यों नहीं किया? अरे मैडम, आपने तो मना किया था। मैंने? ओ हाँ सच्ची, ये बानी का भी फोन नहीं लग रहा है। रजत को फोन लगा के पूछती हूँ। शुक्रिया पुत्र जी, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बेटी की शादी इतने अच्छे से होगी। तो आप हाथ जोड़ के शर्मिंदा मत कीजिए प्लीज अंकल। एक मिनट अंकल जी। हेलो। हाँ हेलो पुत्र। हाँ जी मम्मा। वो बानी को घर बुलाया था, अभी तक नहीं आई, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। तू जरा बात करके पता करना क्या हो गया। मेरी बात हो गई मम्मी उससे, वो घर आई थी, उसे घर भी बहुत अच्छा लगा और कलर भी, लेकिन फिर उसे डॉक्टर का कॉल आ गया था। वो उसकी बहन है मन्नत, उसकी तबीयत थोड़ी खराब चल रही। ओहो समझ गई पुत्र, वो चाय पत्ती खत्म थी ना तो नंदू के यहाँ चाय पत्ती लेने गई थी, तभी आई होनी है वो। तो घर पे कोई और नहीं था? वो बेबे अंदर कमरे में सो रही है, बाकी सारे मार्केट गए हैं। लेकिन अच्छी बात है, उसको कलर पसंद आ गया ना, ये काम बढ़िया हो गया है। चल ठीक है, रखती हूँ। ठीक है मम्मा, मैं कॉल करता हूँ। चल भाई लगा दे सेम कलर दीवारों पे, मेरी बहू का अप्रूवल आ गया है, शादी का घर है, चमकना चाहिए। डॉक्टर साहब, अब मैं मन्नत का अच्छे से अच्छा इलाज करा सकती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए मार्केट में कुछ नई दवाइयाँ आई हैं, जिनसे हम मन्नत की तेजी से बिगड़ती हुई हालत को थोड़ा स्लो कर सकते हैं, लेकिन वो दवाइयाँ थोड़ी महंगी हैं। अगर आप कहो तो मैं ऑर्डर कर दूँ। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, आप मंगवा लीजिए, जितनी भी महंगी हो मैं सारा पैसा दे दूंगी आपको। ठीक है, फिर नेक्स्ट मंथ से हम उसकी डोज शुरू कर सकते हैं। जी शुक्रिया, मैं चलती हूँ। बानी? अच्छा मैं बाद में बात। बानी नवजोत, कैसी है तू? मैं अच्छी, तू कैसी है? मैं भी ठीक। क्या बोला डॉक्टर ने? आज तो डॉक्टर बैड न्यूज दे, गुड न्यूज दी। उन्होंने बताया कि मार्केट में ना कुछ नई दवाइयां आई हैं, जिससे मन्नत की तबीयत पहले से बेहतर हो सकती है, बस थोड़ी सी महंगी है। पर मैंने उनको बोल दिया आप पैसों की फिक्र ना करो, आप मंगवा लो। कितना अच्छा लगता है ना जब पैसा आपकी जिंदगी की परेशानी नहीं बल्कि हर परेशानी का हल बन जाता है। पापा जी ने ना चाची को मेरी जिंदगी में ना एक नई किरण की तरह भेजा। अब ऐसा लगता है नवजोत की मेरी जिंदगी की ना उक्की रिपोर्ट हो जानी है, सबसे ही हो जाना है। अच्छा चल, इसी खुशी में ना तुझे काला खट्टा की ट्रीट देती हूँ। अच्छा चल। पेपे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं है बेबे। तो कहेगी ना, चल तू कह ही ले। क्या ले? बेबे मैं कह रही थी अगर आप इस कमरे से बाहर। ये क्या हो रहा मेरे साथ, मुझे उठा ही क्यों नहीं लिया? अरे देख रहा है ना तेरी आंखें कब खुलेंगी, मेरी आंखें बंद हो जाने के बाद। देख रहा है ना तू, अरे तेरी बूटी क्या कर रही मेरे साथ, अभी तो मुझे इस कमरे से निकाल रही है, अरे कल को मुझे इस घर से बाहर निकाल देगी ये। बेबे, बिहेव। अरे शट अप, बिहेव कबूतर। बोलो ना। एक बात मेरी कान खोल के सुन ले बिटन, मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगी पर ये कमरा नहीं छोड़ूंगी। तो भाभी ये कमरा और डाल लो ना छत पे। तो हम पिएंगे कहाँ? बेबे आप तो चुप करो। भाभी
वैसे हमने ये फ्लैट इसीलिए लिया था कि पास वाली छत भी हमें मिलेगी। वीर जी, रजत और बानी को रूम तो देना पड़ेगा ना। वो दे देंगे ना, मना थोड़ी ना किया है। और यार, हर चीज को एकदम अचानक जल्दबाजी में करने की कसम थोड़ी ना खा रखी है। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।